মধুসূদন শর্কট। আর अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो भाई, सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं पंजाब जा रहा हूँ। A few moments later। जी, तो यहाँ से मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया और मुझे वही अपने बचपन का सफ़र याद आने लगा जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, और ये पहाड़ों का मंजर मेरे दिल को छू रहा था। खैर, कुछ ही देर बाद खाना खाने की रवायत पूरी करते हुए मैं आगे बढ़ा। ट्रेन में बैठे और भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद ये हुआ कि सूरज डूब गया और मेरा सारा मूड उतर गया। मजा नहीं आ रहा है। फिर कुछ ऐसा हुआ। ये हमारा शहर हैदराबाद चल रहा है। और शोरकोट जाके मेज़बानों का खर्चा ना कराऊं ऐसा हो नहीं सकता। बारात का खाना भी हजम हुआ नहीं था कि मैंने दुल्हन के ही भाई को पकड़ के डिनर का कुछ ये सीन बनाया। जब दो लौंडे मिले तो स्नैप का कीड़ा फैल गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लाहौर पहुंच कर भी मुझे वीडियो का याद नहीं रहा, तो इससे डायरेक्ट पलीमा फिक्स। अब लाहौर आए थे बुखारी तो पढ़ने की, यानी कि मेहमानों के घर जाना था। जी, तो हमें शायद शालीमार या शालामार बाग जाना था, जिसकी वजह से हमने
ऑरेंज बस पकड़ी जिसमें मैं पहली दफा बैठा था। खैर मैं कराची की ग्रीन बस में भी नहीं बैठा। ग्रीन बढ़िया है। अब कुछ लोग इसे गरीबों की सहूलत कहते हैं और रिक्शे वाले इसे अपना अजाब कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी वजह से लोगों ने चिंचियों और रिक्शों में बैठना वहाँ पर बंद कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। तो खैर हम भी ऑरेंज बस में बैठे और फिर अपनी सफ़र की तरफ रवाना हुए। मुझे नया ब्लॉगर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी भी ऊपर से कैमरा रोल अटेंड करने में मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं नीचे से ब्लॉग बना रहा था। A few inches later. अब यहाँ स्टेशन पर उतर के मेरे हाथ में टोकन थमा दी और बोला, टोकन पास करके आगे निकलो, हम पीछे से आते हैं, जो कि मुझसे नहीं हुआ। तो मैं मशीन मोड़कर आगे निकल गया, जिसकी वजह से मुझे गार्ड ने पकड़ लिया। लाहौर की चिंची। वाह क्या सीन है। यहाँ मुझे इस वानर प्रजाति के पीछे बिठा दिया, जिसके बगलों से मुस्तकिल बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा सफर खराब हो रहा था। ये पहला घर नहीं है जहाँ मैं गया था, ये पहला घर है जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि इतने सारे घर घूमे थे जिससे दिमाग खराब हो। A few moments later. और ये भी कोई चौथा पांचवा घर है जहाँ हमारा
यहाँ चांगान कारवान में अपना सारा सामान लादकर घर की तरफ रवाना हुए और घर जाकर मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। मैं बोल रहा था ये क्या हो गया। खैर 12:10 हो रहे थे और अल्लाह हाफिज़।